हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल शी शाम स्कूल टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक दैट इज़ चैप्टर नंबर टेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि टेंस जो आपके थ्री टाइप्स के होते हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तो हम प्रेजेंट का फर्स्ट काइंड ऑफ कर चुके हैं दैट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम प्रेजेंट कॉन्टीनस टेंस करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिनस टेंस किस तरह के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है कब हम प्रेजेंट कॉन्टिनस टेंस यूज करते हैं इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इस टाइम पर इस टाइम पे क्या चल रहा है जैसे कि इस टाइम मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो ये क्या है इस टाइम में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कि मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप क्या आपके लिए भी वो जो इस टाइम का है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ठीक है इस तरह के सेंटेंस में मतलब किस तरह के सेंटेंस होते हैं जब आपका ये यूज होता है जब आपके सेंटेंस के लास्ट में हिंदी के लिए बता रही हूँ मैं हिंदी वाक्यों में जब आपके लास्ट में रहा है रही है और रहे हैं आता है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ होगा जिन वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे हैं आता है जैसे कि मेरी मम्मी खाना पका रही है मैं पढ़ रहा हूँ hmm. तो इस तरह के सेंटेंस में हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं ठीक है जो चीज़ इस टाइम पर चल रही है व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ ओके सो हम पढ़ेंगे रूल्स तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव टेंस सेंटेंस के लिए जो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं आपके अफर्मेटिव भी बोलते हैं जिनको इसका रूल क्या है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता कर्ता कौन होता है काम करने वाला तो सब्जेक्ट जैसे मैं तुम कोई किसी कोई नाम जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ पर इज एम आर उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होती है क्रिया क्या काम हुआ है ठीक है तो क्रिया क्या हो गया वर्ब और उस वर्ब के साथ हम लगाते हैं आईएनजी जी और आईएनजी जी के बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो या ना हो इतना फर्क नहीं पड़ेगा वो फिर भी सेंटेंस कंप्लीट करता है ठीक है तो ऑब्जेक्ट का होना ना होना इतना इम्पोर्टेंट uh, नहीं है अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है एम है ये कब कब किसके साथ क्या लगाई जाती है जब भी आपका सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हमेशा इज लगाते हैं जैसे आपका ही शी इट किसी का नाम या कोई भी ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया बॉय गर्ल मतलब जिसमें हम एक वचन के बारे में बात करते हैं तो इज आता है ओके okay. एम किसके साथ आता है आई के साथ जहाँ पर भी आई होगा वहाँ पर हर जगह एम आता है आर किसके साथ आता है प्लूरल के साथ या फिर यू के साथ यू आपका सिंगुलर है लेकिन यू के साथ यू क्या है थर्ड पर्सन है इस वजह से इसके साथ क्या आता है आर आता है अब ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या है ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ठीक है तो यू के साथ भी हमेशा आर आता है और जो भी जितने भी प्लूरल होते हैं दे दीज बॉयज गर्ल्स लाइक जितने भी आपके प्लुरल होंगे सबके साथ क्या आएगा आर ओके तो हेल्पिंग वर्ब को समझ में आएगा किसके साथ क्या आएगा अब एग्जांपल लेते हैं शी इज रीडिंग अ बुक शी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट करता काम करने वाला कि बुक जो है पढ़ी जा रही है वो किसके द्वारा पढ़ी जा रही है शी के द्वारा मतलब कि कोई लड़की है जिसके लिए हमने शी लगाया है तो शी उसके द्वारा पढ़ी जा रही है अब शी क्या है एक ही है शी एक ही के बारे में बात हो रही है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था इज ओके तो इसके साथ मैंने इज लगा दिया अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया उसके बाद क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है रीडिंग में रीड ओके रीड पढ़ना उसके साथ क्या लगाते हैं आई एन जी ओके okay, तो रीडिंग उसके साथ फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट अ बुक तो शी इज़ रीडिंग अ बुक समझ में आया सेंटेंस कैसे बनाया जाता है तो आपको मिलेगा इस तरीके से जैसे मैंने लिख दिया शी डैश अ बुक और ब्रैकेट में डाल दिया रीड ओके okay, तो आपको लिखना होगा कि शी के साथ ईज़ आता तो ईज लगा दिया और रीड के साथ आई एन जी आ जाएगा तो इस तरीके से आप फिलअप फिल करोगे ओके okay? उसके बाद मैंने एक सेंटेंस लिया एम वाला आई के साथ मैंने बताया था हमेशा एम आता है तो आई क्या आपका सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला जो है करता है जो है सब्जेक्ट हो गया आई एम गोइंग टू पिकनिक मैं पिकनिक के लिए जा रहा हूँ ठीक है तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लगा दिया ओके और ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका फिर एक मैंने बताया था यू के साथ हमेशा आ आता है थर्ड पर्सन आ आता है भले ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उसके बाद भी इसके साथ हमेशा यू के साथ आ रहता है ठीक है तो यू आर तो सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब होगी फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ गया देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया फिर प्लूरल के साथ मैंने आर बताया था दे वे वे क्या कर रहे हैं इस मौसम को इन्जॉय कर रहे हैं ठीक है तो वे आपका प्लूरल हो गया प्लूरल के साथ आर आता है फिर सब्जेक्ट इन्जॉय हो गया उसके साथ आई एन जी लग गया फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया ओके तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होते हैं तो वो हमने पढ़े थे पॉजिटिव सेंटेंस अभी तक अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं वाला आता है तो उसमें भी कुछ भी फर्क नहीं है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है बाकी सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज रहेगा कि सब्जेक्ट आ गया फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर फिर नॉट लग जाते हैं फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म फिर आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट तो शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक पहले क्या था शी इज़ रीडिंग अ बुक अब शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक पहले क्या था आई एम गोइंग टू पिकनिक अब आई एम नॉट गोइंग टू पिकनिक पहले क्या था यू आर डूइंग योर होमवर्क तुम अपना काम कर रहे हो अब क्या है यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क तुम अपना काम नहीं कर रहे हो पहले था दे आर इंजॉइंग द वेदर कि तुम वेदर को इंजॉय कर रहे हो अब है कि तुम वेदर को इंजॉय नहीं कर रहे सो so, ये आपके सारे नॉट वाले सिंपल बिल्कुल एज इट इज है जैसे भी आपने पॉजिटिव के लिए पढ़ा था सेम ये भी ऐसी है बस आपका जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी इज एम आर उनके बाद हमेशा नॉट आ जाता है ठीक है सिर्फ यही चेंज है इसमें देन आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में क्या होता है क्वेश्चन पूछते हो आप ठीक है इसमें इतना फर्क आएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले लग रही थी वो हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे शुरू में लग जाती है आगे इज ईज़ाम सबसे पहले आ जाएगा फिर आपका सब्जेक्ट आएगा करता आएगा फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माई एन जी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ठीक है तो एक तो ये वाल हो जो helping verb वाला हो गया जब हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन पूछना हो फिर एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला जैसे कि वॉट वाई वेयर वेन हु हाउ मच हाउ मैनी इस तरह के जो होते हैं वो वाला कि सबसे पहले उसमें फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है फिर एज इट इज अब आपका वही चलता है इज एम आर वगैरह आ गया ठीक है इसके मैम मैं यहाँ पर आ, सब्जेक्ट लिखना भूल गई थी सो यहाँ पर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा देन वो आपके फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी देन ऑब्जेक्ट ओके ये सारी चीज़ चलती है सो इसके एग्जाम्पल ही बस देख लेते हैं पहले तो ये वाला देख रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब और इज क्यों आए क्योंकि शी है हमारा सब्जेक्ट ठीक तो है सो तो शी सब्जेक्ट इस वजह से इज आ गया तो क्वेश्चन हम मैं सेंटेंस वही सेम ले रही हूँ कि शी इज रीडिंग अ बुक वाला सेंटेंस ले रही हूँ बस पहले शी इज था अब इज शी आ जाएगा इज शी रीडिंग अ बुक क्या वो बुक पढ़ रही है ठीक है क्या वह बुक पढ़ रही है तो ये आपका क्वेश्चन बन गया ओके okay, तो हेल्पिंग वर्ब आपके आगे आ गई शी सिंगर है तो इस वजह से ईज आया है फिर वही वफ की फर्स्ट रूम उसके साथ आई एनजीक्ट फिर आपको क्वेश्चन वर्ड वाला वाई आर यू गोइंग टू जापान तुम जापान क्यों जा रहे हो तो वाई मैंने बोला था सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है आ गया उसके बाद ईजाम से आपको एक चीज लगाना होता है आर क्यों लगाए क्योंकि यू है हमारा सब्जेक्ट है यू यू के साथ मैंने क्या बताया था आर आता है तो यू वाई आर यू फिर उसके बाद आपके वफ के फर्स्ट रूम उसके साथ आई एनजी लग गया देन आपको ऑब्जेक्ट आ गया वाई आर यू गोइंग टू जापान तुम जापान क्यों जा रहे हो ओके okay, तो यह आपका क्वेश्चन हो गया तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इफ़ यू आर नॉट स्टिल ग क्लियर तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप सेक्शन और यू कैन ऑल्सो कमेंट ओके टिल देन टेक केयर एंड कीप रीडिंग